अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सीमेंट का ताजा रेट अपडेट करने वाले हैं और सीमेंट के रेट के हवाले से काफी अच्छी न्यूज आ रही है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आप सीमेंट और सरिया की बुकिंग्स ना करवाएं, उसकी वजह भी यही थी। मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई सीमेंट और सरिया के रेट्स आने वाले दिनों में कम होने जा रहे हैं। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट आप साथ में देख रहे हैं, ये जियो न्यूज की आज की अपडेट थी कि भाई जो पेट्रोल है वो 14 से 15 रुपए कम होने जा रहा है। इसी तरह जो आपका डीजल है उसके रेट में भी 12 से 13 रुपए कमी होने जा रही है, तो इसलिए आपका जो सीमेंट है वो सस्ता हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो ऑयल की प्राइस कम हो रही हैं, मेरे ख्याल से अभी भी ये बहुत कम है। जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है अगर आप वो देखें तो उस हिसाब से तकरीबन 30 से 35 रुपए जो आपका पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने सिर्फ 12-13 रुपए सस्ता करने के बारे में सोचा है। लेकिन चले दोस्तों, कम ही सही, सस्ता तो होना शुरू हुआ है, ये चीज मेन है। इससे जो है वो कीमतें जो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी वो अब नीचे आना स्टार्ट हो गई है। और आपने देखा भी है कि हमारी जो 3 से 4 पिछली अपडेट्स थी उसमें हमने आपको बताया था कि भाई सीमेंट के रेट में कमी हुई है, और मेरे पास आज की ताजी रेट लिस्ट मौजूद है, इसके मुताबिक भी अच्छी न्यूज है जो हम आपको आज की स्टूडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह डॉलर का जो रेट है वो भी थोड़ा ग्रेजुअली कम हो रहा है, जिसकी वजह से सरिया के रेट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। पिछली दो अपडेट्स में हमने आपको बताया, एक मतलब 2000 रुपए पर मैट्रिक टन और एक मतलब 3000 रुपए पर मैट्रिक टन के हिसाब से सरिया के रेट में कमी देखने में आई थी, जो कि काफी अच्छा साइन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो चलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको ताजा रेट्स अपडेट करता हूं और आने वाले दिनों के हवाले से बताते हैं कि कितना इसका रेट मजीद कम हो सकता है। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पाक सिम और बेस्ट वे की। दोस्तों ये जो मैं रेट्स आपको अपडेट कर रहा होता हूं, इसमें कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई हमारे एरिया में आप जो रेट बता रहे हैं उससे 15-20 रुपए कम है, और कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई आप जो रेट हमें अपडेट कर रहे हैं उससे 15-20 रुपए या 30 रुपए हमारे एरिया में रेट ज्यादा है। दोस्तों उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। वैसे दोस्तों इसकी रीजन मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स नए होते हैं जिनको इस बात का पता नहीं होता। दोस्तों जब फैक्ट्री से आपका सीमेंट निकलता है तो ये मुख्तलिफ जगहों पर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट्री कलर का हार में है तो उसके पास जो एरिया होगा उधर किराया इनका कम पड़ेगा, गाड़ियों की यानी जो लोडिंग्स होती हैं वो कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो पास के एरियाज होते हैं फैक्ट्रीज के पास उन एरियाज में रेट्स कम होते हैं। इसी तरह जितना जितना आगे या दूर जाता है, जिधर किराए बढ़ते जाते हैं उधर आपका जो रेट है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह 10-20 रुपए डिफरेंस आ सकता है, कुछ जगहों पर रेट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ जगहों पर कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो कमी होती है फिर वो ओवरऑल ही हो जाती है। अगर हम आपको बता दें कि 10 रुपए कमी हुई है तो फिर ओवरऑल जो रेट में 10 रुपए कमी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आप दोस्तों को समझ आ गई होगी कि कभी कभी 5-10 रुपए का डिफरेंस क्यों आ जाता है जो हम आपको रेट अपडेट कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पाक सिम बेस्ट वे की। इसका रेट है 1040 रुपए, लक्की सीमेंट 1030 रुपए, डीजी सीमेंट 1045, मैपल लीफ 1055, फौजी सीमेंट 1035, कोहाट 1030, अटक 1030, अस्करी 1035 और पाइनियर 1030, पावर सीमेंट 1035 और जो चराड है इसका रेट है 1020 रुपए, फ्लाइंग पाकिस्तान 990 रुपए। तो दोस्तों ये तकरीबन मैंने कोशिश की है जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके रेट्स आपको अपडेट कर दूं। अगर कोई ब्रांड ऐसा है जिसका मैंने रेट वीडियो में नहीं बताया और उसका रेट आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दें, इंशाल्लाह अगर मेरे नॉलेज में हुआ तो मैं आपको उसका रेट अपडेट कर दूंगा कमेंट्स में ही। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि तकरीबन रेट स्टेबल है। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके रेट में तकरीबन 5 रुपए कमी देखने में आई है, जो कि फिर भी अच्छा साइन है। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों के हवाले से मैं आपको बता दूं, अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे आती हैं और डॉलर मजीद नीचे आ जाता है तो सरिया और सीमेंट के रेट में वाजे कमी आपको देखने में एक मतलब फिर मिलेगी। दोस्तों जो ही हमारे पास कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह हम उसी वक्त आपके साथ वो अपडेट वीडियो के जरिए शेयर कर देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।